Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP, Resonance, Kota. तो हम आज start करते हैं lecture fourth, magnetism and EMI का. तो lecture fourth में है magnetic force on moving charge. और इससे related quantities. After that रेडियस ऑफ पाथ ऑफ पाथ सेकंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर वायर इन मैग्नेटिक फील्ड और फिर भी है आगे लेक्चर तो इसके आगे लेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स and flux density. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज दैट इज लॉरेंज फोर्स. एक्चुअली लॉरेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. यहां हम केवल मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे. तो क्यू चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी. ओके देन फोर्स ऑन चार्ज is given by F is equals to Q into V cross B or we can write it F is equals to Q V B sine of theta and n cap. Yes, theta is the angle between V and B. अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इफ इट इज एट एक्स एक्सिस इट इज एट वाई एक्सिस एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के विल बी अलोंग प्लस जेड एक्सिस. इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर ये मालूम है. ओके देयर इन द फर्स्ट केस इफ थीटा इज जीरो डिग्री मीन्स वेलोसिटी इज दिस बी इज दिस क्यू चार्ज इज मूविंग then theta is 0, so F will be equals to Q V B sine of 0, that is equals to 0, there will be no force, magnetic force होगा ही नहीं. case second देखिए, if theta is 90 degree, means in this way it is B, okay, it is moving with velocity V at 90 degree, it is theta, then what is F will be? Q V B sine of 90 F will be equals to Q V B that's maximum. तो how we will find the direction? तो there are two methods. I cross J से ही find कर सकते हैं. तो for direction of magnetic force. Direction of magnetic force. सबसे पहले first of all you can find direction by vector product, cross product. तो F is equals to Q into V cross B. Is it clear? If V is along x axis B is along y axis, then what is the value of F? Is equals to Q V B sine of 90 into I cross J. You know very well I cross J is equals to K, that is along z axis. So F will be is equals to Q V B K cap. K cap means along z axis. You can easily find, but second देखिए जरा
रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो रूल्स रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब क्या है रूल? ये इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इन दिस वे, ऐसे नहीं, इन दिस वे. इफ दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इट द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यू नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज आई. देन दिस विल बी द फोर्स. तो इफ वी स्ट्रेच द मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इन दिस वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला बी. मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट. याद रखना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पार्ट. वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इज इट क्लियर? इट इज बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इज इट क्लियर? एक और रूल देखिए, सेकंड रूल देखिए, राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल दोनों एक ही हैं, आप एक ही कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो ऑल दीज टू. सेकंड, राइट हैंड पाम रूल. पाम रूल इट द राइट हैंड, इट इज पाम. इफ बी स्ट्रेच, क्या स्टेटमेंट देखिए, इफ बी स्ट्रेच द फिंगर्स एंड थंब ऑफ अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये फिंगर्स और ये थंब, राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इफ फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बी. ओके, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आई, देन परपेंडिकुलर टू द पाम आउटवर्ड विल बी द फोर्स, इट इज बी. इट इज वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट, दिस विल बी द फोर्स. सेम थिंग देखिए, इट इज बी, इट इज वेलोसिटी, देन फोर्स विल बी अपवर्ड. तो इफ वी स्ट्रेच द फिंगर्स एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड
in such a way that they are mutually perpendicular. They are mutually perpendicular to each other. If in this way, that is, if fingers, shows the direction of B, direction of B, thumb shows the direction of velocity of positive charge or current, then the direction of force will be perpendicular to the palm outward, perpendicular downward bhi ho sakti hai, ye outward, in this way. Then the direction of F will be perpendicular to palm outward. वैसे इससे ये इजी है यूज करना, ये इजी है यूज करना, इस टाइप से ये यूज कर सकता हूँ. अब देखिए एग्जांपल देखिए जरा. इट इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखिए, नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे ना. ये है डायरेक्शन, ये है बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड. याद रखना ये, अगर मैं ऐसे शो करता हूँ इट इज, ये होगा आउटवर्ड. ये चलिए, चार्ज इज मूविंग इन दिस वे, इट इज क्यू चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी वी. इन द एब्सेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इट विल मूव इन दिस पाथ. क्लियर है ना. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, चाहे इससे फाइंड कर लीजिए, बी इनवर्ड वेलोसिटी इज दैट, तो फोर्स विल बी अपवर्ड. या इससे फाइंड कर लीजिए, बी इन दिस डायरेक्शन, बी इन दिस डायरेक्शन, ओके, बी इनवर्ड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स विल बी अपवर्ड. तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. इज इट क्लियर. याद रखिए, व्हेन वेलोसिटी एंड बी आर परपेंडिकुलर देन इट विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ. ये पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, अब ऐसे मूव करेगा, इट इज सर्कुलर पाथ. इज इट क्लियर. आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए इधर से आ रहा है, सोच के देखिए, इट इज माइनस क्यू विद वेलोसिटी वी. अब क्या करेंगे आप, ये रूल है, इट इज ओनली फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे आप, पॉजिटिव ही सपोज कर लीजिए, इट इज पॉजिटिव, उसी से फाइंड कीजिए, बी इनवर्ड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स मस्ट बी डाउनवर्ड बट ऑन पॉजिटिव चार्ज. इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, सो इट मस्ट मूव, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल मूव इन दिस पाथ. इज इट क्लियर. आप केवल एक रूल याद रखेंगे, इट इज प्लस क्यू, ओके. अगर माइनस क्यू के बने हैं तो ट्रीट एज ए प्लस क्यू, लेकिन अपोजिट कर दीजिए फोर्स को. जैसे मैंने प्लस लिया तो बी इनवर्ड वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स मस्ट बी डाउनवर्ड बट ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन नेगेटिव विल बी अपवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इज इट क्लियर. नाउ देखिए आगे, पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. इज इट क्लियर. तो देखिए फिगर वही लेता हूं मैं, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड,
क्रॉस से दिखाया मैंने, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, अंदर की तरफ है ये, चार्ज इधर मूव कर रहा था, इट इज प्लस क्यू, क्यू प्लस विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस, इट विल मूव ऑन दिस पाथ, इस पर मूव करना चाहिए, इज इट क्लियर, बट देखिए बिकॉज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी मैक्सिमम, मैक्सिमम इससे आप फाइंड करना चाहो तो इट विल बी अपवर्ड फोर्स, ऐसे लग रहा होगा, याद रखना एफ विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फोर्स द चार्ज विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ इफ रेडियस ऑफ पाथ इज स्मॉल आर देन, अब देखिए कैसे फाइंड करूंगा, अगर ये पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है तो ड्रॉ टेंजेंट हियर, ये खत्म हुआ, आगे सीधा जाएगा, ड्रॉ टेंजेंट हियर, इट इज 90 डिग्री, ओके, यहां भी टेंजेंट ही है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इट विल बी द सेंटर, ओ इट द रेडियस आर, इसको कहूं या फिर आर इसको कहूं, सेम थिंग, अब याद रखना व्हेन वेलोसिटी इज, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देन इट विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, मींस देयर विल बी नेसेसरली ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सो फॉर दिस मोशन, दिस मोशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई क्यू वी वी, क्यू वी एंड बी मीन्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या याद होगा आपको एम ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज क्यू वी बी, इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी, अब थोड़ा सा आगे देखिए, मुझे कुछ और फाइंड करना है, अब इस फॉर्मूले से आई वॉन्ट टू फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ, नंबर फर्स्ट इज रेडियस ऑफ पाथ, फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ पाथ दैट इज स्मॉल आर, कैसे फाइंड करूंगा, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी एंड बी, ओके वी कैंसिल, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, एम बी वाई, इट इज यू नो वेरी वेल एम बी इज इक्वल टू पी मोमेंटम, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं आर इज इक्वल टू एम बी वाई क्यू बी इज इक्वल टू पी वाई क्यू बी, सेम थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इट क्लियर, ओके, नाउ टाइम पीरियड, कैपिटल डी, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट राउंड नोन एज टाइम पीरियड, रेडियस मालूम है, स्पीड मालूम है, उसकी स्पीड क्या है, इसकी वी स्पीड, वी याद रखना, दिस परपेंडिकुलर फोर्स विल नॉट चेंज द स्पीड, इट विल चेंज द वेलोसिटी, इट विल चेंज द डायरेक्शन, नॉट मैग्नीट्यूड, स्पीड विल बी कॉन्स्टेंट, सो टाइम पीरियड, टाइम टेकन, टाइम टेकन
in one complete round is known as time period, that is t is equals to one complete round, that is what is the distance covered in one complete round, that is 2 pi r with the speed v. We can easily put the value of from v here or r here, kuch bhi rakh dijiye, r rakh dijiye yahan se, on putting the value of r, on putting the value of r, r r ki value yahan se rakh dijiye to kitna aayega mb by, and that is t will be equals to 2 pi r y, 2 pi m, 2 pi v, और r की वैल्यू है एम बी वाई क्यू बी, एम बी वाई क्यू बी, बी से बी कैंसिल, व्हाट इज बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, बी से बी कैंसिल, इज इट क्लियर, टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. ओके, एक और मेथड था टाइम पीरियड के लिए, मैं फाइंड कर सकता था, देखिए, और फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यूज एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू क्यू वी एंड बी, व्हाट इज ओमेगा, क्यू वी बी डिवाइडेड बाई एम आर, क्यू वी बी डिवाइडेड, व्हाट इज ओमेगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू वी बी डिवाइडेड बाई एम आर, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, वी कैन ईजिली फाइंड टी, यूज कर सकते हैं आप. अब देखिए यहां आगे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ टर्न्स इन वन सेकंड, नंबर ऑफ राउंड्स इन वन सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज एन, वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड मीन्स क्यू वी बाई 2 पाई एम, इज इट क्लियर, वी कैन ईजिली फाइंड दिस द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड में दो मेथड से फाइंड कर सकता हूँ, बाई फाइंडिंग ओमेगा और बाई एम बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर बाई वी, इट द टाइम पीरियड. अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, दैट दीज आर द केसेज वेन द वेलोसिटी वी एंड बी आर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ द पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा, कोई और एंगल पे, अभी मैंने ये 90 लिया था इससे पहले, इज इट क्लियर, 90 एंगल लिया था, अब 90 नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द पाथ, देखिए जरा, इट इज वेलोसिटी बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी वी, चार्ज इज, क्यू चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इज इट क्लियर, डायरेक्शन में इधर लिया है, दिस एंगल इज थीटा. We can break B into two parts. Number one is V cos theta, you know very well. Number second is, that is V and sin theta. The angle between magnetic field and velocity is sin theta. Now we will study the effect of this horizontal component and this vertical component. Okay? Angle between, angle between V and B is theta. Okay, the horizontal component, component of velocity is V cos theta. Is it clear? Now the vertical component of velocity
is v sin theta. It is perpendicular. Due to this component, the particle will move on circular path. Due to this component, that is what? V sin theta. So what is it? V dash. V sin theta, the particle will move on circular path whose radius is r. Then we can easily write m v square divided by r is equals to q v and b, but not v, it is v dash. Yaad rakhna, it is v dash. Vertical component le raha hu main, v dash. Aur v dash ki mujhe value malum hai, to ye to cancel ho gaya square isse. To what is the value of r? R rakhun to kitna aayega? That is m v dash divided by q v. Yaar, what is r? m v sin theta divided by q v. Thoda sa farak hai. पहले v था परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin theta, तो एट द प्लेस ऑफ v इट इज v sin theta, इट द रेडियस ऑफ पाथ. नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड? थिंक अबाउट इट. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई r y v डैश, 2 पाई r y v डैश. तो r की वैल्यू तो मैं ये रखूंगा. क्या रखूंगा मैं? दैट विल बी 2 पाई r, 2 पाई r y v डैश. r लिखा ही है तो हम r की वैल्यू पुट कर देना, 2 पाई r y v डैश. और r की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, m v डैश डिवाइड बाई q v, ये कैंसिल. अगेन वही 2 पाई m बाई q v, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड. पहले भी यही आ रहा था 90 पे, था तब भी सेम थिंग वही आ रहा था, अब भी वही आ रहा है. अब थोड़ा सा और देखिए, इट इज टाइम पीरियड इज t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाई q b, सेम एज इन प्रीवियस केस. नाउ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज n? 1 बाई t, that is qb by 2 pi m, same thing at the frequency. फर्क पड़ रहा है तो रेडियस पर, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस cos theta? v cos theta हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. देखिए, ड्यू टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट द पाथ पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, बट ड्यू टू दिस कंपोनेंट द पार्टिकल विल मूव अलोंग x एक्सिस, दिस एक्सिस. ओके, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज v cos theta, द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब फिर से देखिए, ऐसे सर्कल पर तो चल ही रहा है, साथ में इधर भी चलने लगा, ऐसे चल रहा था सर्कल पे, और सर्कल पे ड्यू टू दिस ये आगे भी मूव करेगा, तो ऐसा हो जाएगा स्प्रिंग टाइप हेलिकल पाथ. तो मैं ये बता रहा था, देखिए इसका पाथ क्या होगा, ऐसे जा रहा था, इट विल मूव हेलिकल पाथ. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो पाथ बिकम्स हेलिकल पाथ, इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, इज इट क्लियर? हेलिकल पाथ. अब देखिए, ये जो है इट इज नोन एज पिच,
మన డిస్టెన్స్ కమర్డ్ ఇన్ వన్ కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ నోన్ యాజ్ ద పిచ్. నౌ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ టైం పీరియడ్ ఇన్ టైం పీరియడ్ టి ఈజ్ నోన్ యాజ్ పిచ్. బిల్కుల్ జసే स्क्रू में होती है ना पिच, चूड़ियों के बीच का डिस्टेंस, दो चूड़ी के बीच का डिस्टेंस सेम थिंग है. या स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग टाइप है, दो स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस. इट इज एक राउंड ऐसे चला, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे चला, ये वन राउंड हो गया. लेकिन वन राउंड में ये पास सर्कल पर ऐसे नहीं आएगा बल्कि इधर भी मूव कर जाएगा. तो जितना मूव कर जाएगा टुवर्ड्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट नोन एज अ पिच. तो पिच होगा टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी cos theta. और टाइम पीरियड मुझे मालूम है दैट इज 2πm by qb इंटू वी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पिच. इज इट क्लियर? तो फर्क ही पड़ेगा. देर विल बी नो डिफरेंस इन टाइम पीरियड इन द फर्स्ट केस व्हेन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर. जब किसी एंगल पे हैं, दिस एंगल इज थीटा, तो टाइम पीरियड में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे भी पड़ेगा. इससे पहले तो एक ही सर्कल पे ऐसे मूव कर रहा था, बट एंगल है बिटवीन वी एंड बी इज थीटा, देन इट विल ऑल्सो मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस पाथ बिकम्स हेलिकल, इट नॉट ए स्पायरल. याद रखना स्पायरल ऐसे होता है, इट नॉट ए स्पायरल, इट इज हेलिकल पाथ. ओके, इज इट क्लियर? तो इट इज अबाउट द फोर्स ऑन चार्ज. नेक्स्ट, आगे लिखा था फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ये होगा भी या नहीं. देखिए जरा, मेरे पास ये मैग्नेट है, ओके, इसके बीच में मैंने एक कोई कंडक्टर लगा दिया, इसमें करंट फ्लो करूंगा मैं और इसको कनेक्ट करूंगा मैं. ये स्टैंड लगा दिया मैंने, इट इज स्टैंड. ओके, इससे वायर कनेक्ट करूंगा मैं, कनेक्शन वायर, और यहां से कनेक्ट कर दूंगा मैं बैटरी से. इज इट क्लियर? चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने की ऑन कर दिया और यहां कनेक्ट कर दूंगा मैं. तो करंट जैसे स्विच ऑन करूंगा, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इस वायर में करंट ऐसे है, इट इज कनेक्टर, इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल. तो इट इज कन्फर्म दैट इज बी विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. करंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, द डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज आई. याद रखना मैंने लिखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस विल बी फोर्स. सेम थिंग, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट, देन फोर्स विल बी अपवर्ड. अब इसको देखिए जरा, करंट फील्ड मेरा ऐसे है, फील्ड ऐसे है, लेकिन करंट डाउनवर्ड है, ऐसे आ रहा है. देखिए फील्ड ऐसे है ना, करंट थंब तोड़ रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोर्स विल बी आउटवर्ड. देख लीजिए, फोर्स विल बी आउटवर्ड, ऐसे आएगा. तो मैं कह सकता हूं एट द फोर्स एफ इट इज परपेंडिकुलर टू वायर आउटवर्ड, इट इज आई. इज इट क्लियर? ये फोर्स लगेगा आउटवर्ड का मतलब ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर कह सकता हूं मैं, ऐसे लग रहा है. ये प्लेन पर रखा हुआ है तो इट इज अपवर्ड. तो अगर ऐसा लग रहा हो ये नीचे है तो इसका डायरेक्शन ऊपर बना सकता हूं मैं. इट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ परपेंडिकुलर टू द वायर आउटवर्ड. आउटवर्ड मीन्स
ऊपर की तरफ, जैसे वायर यहाँ है तो ऊपर क्यों लगेगा, तो वायर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा। तो इट इज़ प्रैक्टिकली फोर्स लगता है इस पर, इज़ करेक्ट। अब कितना फोर्स होगा देखिए जरा, कैसे फाइंड करेंगे हम। वी नो इट द कंडक्टर, क्यू चार्ज इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी। ओके, सो सपोज करंट इज आई, करंट इज आई, द लेंथ ऑफ वायर इज एल, इसमें फ्लो हो रहा है, इट द कंडक्टर, लेंथ कितना है इसका एल। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत कीजिए, क्यों चार्ज इधर की ओर फ्लो हो सकता है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है, जैसे फ्लो हो रहा है नेगेटिव है तो इधर की ओर फ्लो हो रहा है ना, पॉजिटिव तो उसमें फ्लो होगा ही नहीं। ओके, विद वेलोसिटी वी यू नो वेरी वेल व्हाट इज क्यू, फोर्स ऑन दिस चार्ज एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी एंड बी, बिकॉज व्हाट इज क्यू इज इक्वल टू आई टी एंड व्हाट इज वी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, वी कैन पुट हियर। तो व्हाट इज द एफ, क्यू के प्लेस पर आई टी एल बाई टी इन टू बी, टी से टी कैंसिल, व्हाट द एफ, इट इज बी आई एल बिल, बी आई एल बिल, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एफ मीन्स फोर्स, आई मीन्स करंट इन द वायर, एल मीन्स लेंथ ऑफ वायर, हियर एल इज लेंथ ऑफ वायर। डायरेक्शन सेम मैं कह चुका हूँ आपसे, बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और बाई राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, राइट हैंड पाम रूल। ओके, इज इट क्लियर, तो चलिए आगे देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज बी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाई, हाउ वी विल डिफाइन, यू कैन डन व्हाट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी जैसे डिफाइन किया था यहाँ भी वही डिफाइन करेंगे। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैं लिखता हूँ पहले, चलिए पहले सुन लीजिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, सेम थिंग। तो एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू टोटल एरिया इज नोन एज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं लिखता हूं पहले, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, एरिया ऑफ ए सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इंटेंसिटी दैट्स बी। अब सेम थिंग देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने यही किया था, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू टोटल एरिया of a surface is known as magnetic flux, that's phi। अब सोच के देखिए जरा, मैं आपको पहले बताया था वेक्टर एरिया इज ए स्पेशल टाइप वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है मेरा, ये लेंथ ये वेथ, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो लेंथ इंटू वेथ, बट डायरेक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, ऐसे होगा। मुझे अगर इसका इधर वाले का एरिया फाइंड करना है तो वही लेंथ इंटू वेथ बट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, सेम थिंग।
एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का होगा डाउनवर्ड और रूफ का होगा अपवर्ड। इस वॉल का निकालना है तो मुझे इस टाइप, इसका निकालना है तो इधर होगा, फ्लोर का निकालना है तो लेंथ इनटू विड्थ बट डायरेक्शन विल बी अपवर्ड, सेम थिंग। चलिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा वाला, ओके ए बी। मैंने किसी फ्रेम को ऐसे रख दिया, द फ्रेम ऑफ वायर, तो इसका जो एरिया होगा, इस सरफेस का लूंगा एरिया तो ये वाला आएगा, दैट इज ए। पर नीचे वाले का लूंगा तो डाउनवर्ड होगा, ये एरिया काउंट कर रहा हूं तो डाउनवर्ड एरिया काउंट अपवर्ड। अब यहां देखिए, अभी अभी लिखा है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ये वाला दैट इज बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 मीटर स्क्वायर से जो पास हो रहा है दैट इज बी, तो 2 मीटर स्क्वायर से कितना होगा 2b, और ए मीटर स्क्वायर से देखूंगा तो कितना आएगा ab, और यही तो है फाई। सोच के देखिए ना टोटल एरिया से, तो व्हाट इज फाई इज इक्वल टू ए इज एरिया, फाई इज स्केलर बट बी एंड ए आर वेक्टर, सो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म इट इज इट मस्ट बी स्केलर, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। फॉर एग्जाम्पल हियर थीटा इज जीरो, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। इधर देखिए जरा, इस फिगर पर देख रहा हूं, वट द एंगल बिटवीन बी एंड ए, दैट इज जीरो, इज इट क्लियर, ओके। अब देखिए जरा आगे स्पेशल केसेस कुछ, केसेस नंबर वन, इफ थीटा इज 0 degree, दिस केस ऐसे आ रहा है, देखिए इट इज बी बी, इट इज फ्रेम, इट इज द एरिया ए, इट इज बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi, b a cos of 0, that is phi is equals to b a, maximum, maximum if theta is, case second dekhiye ra, case second if theta is 90 degree, how it is possible, it is b, aur frame ko maine kuch aise rakha hai, तो इसका सरफेस का एरिया होगा इन दिस डायरेक्शन ए, दिस एंगल इज हाउ मच 90 degree, नो फ्लक्स पास, तो फाइव विल बी इक्वल टू होगा बी ए कॉस ऑफ 90, दैट्स जीरो। याद रखिए लाइंस ऑफ फोर्स, मान लीजिए नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो लाइंस ऑफ फोर्स अपवर्ड होंगी, फ्रेम ऐसे है तो लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा ऐसे जा सकती, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे करके, मतलब ऐसे फ्रेम था ये इन दिस वे, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे एंटर नहीं कर सकती ऐसे करके, ये वो तो स्ट्रेट जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, नो विल पास थ्रू दिस वन, अगर ऐसे रखा हुआ है तो यहां से एंटर करेंगी, इधर से निकलेंगी, तो एट दिस टाइम फाइव विल बी जीरो। अब देखिए केस थर्ड, इट इज मिनिमम, केस थर्ड देखिए, इफ फाइव थीटा इज इक्वल टू 180 degree, then phi will be equals to b a cos 180, cos 180 is minus 1, that is again it is maximum। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको देखिए जरा क्या है ये, इट इज b, इट द फ्रेम, सेम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, बट यहां मैंने एरिया ऊपर वाला लिया था, यहां एरिया लूंगा इट इज b, इट इज एरिया डाउनवर्ड a, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 180 degree, तो माइनस बी ए एंड प्लस बी ए बोथ आर मैक्सिमम, हाउ इट इज पॉसिबल,
व्हाट डज इट मीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव? तो देखिए फ्रेम मेरा ये था, फर्स्ट केस मैं एरिया इस सरफेस का ले रहा था, तो इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ये अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो एरिया में ये नीचे वाला ले रहा हूं, ये होगा ए, जस्ट अपोजिट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इट इज नेगेटिव, इस एंड से तो लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करेंगी और इस फोर्स से इस सरफेस से निकलेंगी, तो ये है इट इज आउट गोइंग फ्लक्स। तो आउट गोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव, इट इज इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसका यूनिट और लेते हैं, थोड़ा यूनिट ऑफ आई एंड बी, यूनिट ऑफ फाई एंड बी, तो SI यूनिट ऑफ फाई इज वेबर, दैट इज सिंपली डब्ल्यू बी वेबर। वी कैन इजीली फाइंड बी इज टू फाई बाई ए, फाई बाई ए फाई का यूनिट है वेबर, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज टेस्ला, दैट्स टी इट द SI यूनिट। अब थिंक अबाउट CGS यूनिट ऑफ फाई इज मैक्सवेल, वन मैक्सवेल इज 10^8 वेबर माइनस 8 वेबर, और ऐसा भी कर सकते हैं वन वेबर इज 10^8 मैक्सवेल इट द यूनिट ऑफ फाई। Then B is equal to phi upon A, that is Maxwell, divided by centimeter square, it is known as Gauss. आप सोच के देखिए जरा, one Tesla is how many Gauss? You can find or not? तो find करके देखिए, one Tesla is one Weber डिवाइड बाई वन मीटर स्क्वायर, वन वेबर इज 10^8 मैक्सवेल, और वन मीटर स्क्वायर, वन मीटर इज 100 सेंटीमीटर, वन स्क्वायर मीन 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज वन टेस्ला इज 10^4 मैक्सवेल डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट नोन एज गाउस। सो वन टेस्ला इज 10^4 गाउस, इट इज द रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI। आफ्टर इट वी विल टेक द लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद हम लेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।